अब मैं बन गई हूँ फोटोग्राफर, तो अब मैं आपकी पोज निकालती हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं नीचे थोड़ा घूम रहा था और मैं ये देख रहा हूँ कि आज ना धूप काफ़ी है, तो दो दिन तो हमें राहत मिली बारिश की वजह से, और तीसरे दिन वही गर्मी आ गई। और अभी जो गर्मी आएगी ना, वो थोड़ी उमस वाली होगी, जिसमें और ज़्यादा ह्यूमिड चिपचिपापन हो जाता है। तो वैसे तो हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, जिसकी वजह से मौसम में ठीक है, टेम्परेचर में थोड़ा राहत है। तो अभी तो जाता हूँ गेहूँ को पिसवाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हम जो गेहूँ है वो गांव से लेकर आते हैं, तो वो मैं लेकर आ गया था, लेकिन अभी पिसवाने का टाइम नहीं मिल पाया है। तो अभी जाता हूँ और पिसवाने के लिए देकर आता हूँ उसको सबसे पहले। तो बाकी गाइज, आज मैं ऑर्डर करने वाला हूँ कैमरा, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने डिसाइड तो कर लिया है मैंने कि कौन सा कैमरा लेना है। बाकी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ना स्टॉक अवेलेबल नहीं हो रहे। मैंने स्टोर्स पे कल कॉल करके पूछा था, और मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कौन सा कैमरा परचेज़ किया है। तो मैं देखता हूँ, ऑफलाइन अगर मिल जाए तो मैं ऑफलाइन भी ले सकता हूँ आज, और ऑनलाइन मेरे को बेस्ट डील मिली तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज। लेकिन कैमरे का अपना रोल है, पर्टिकुलर कोई फोटोज़ खींचनी है, कोई इफेक्ट देना है कोई, तो कैमरेज और उनकी लेंसेज की मदद से आप कर सकते हैं। बाकी लेंसेज तो मैं थोड़ा बाद में ही लूँगा, क्योंकि लेंसेज थोड़े कॉस्टली भी हैं, और थोड़ा सा अभी कैमरा मेरे लिए नया भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले तो मुझे थोड़ा वही सीखना पड़ेगा, तो पहले तो मैं किट लेंस के साथ ही प्रैक्टिस करूँगा, और धीरे धीरे हम जो है और जो लेंसेज रिक्वायरमेंट है वो हम लेते रहेंगे। तो सब कुछ बताऊँगा मैं आपको, कैमरा कितने का पड़ा, कौन सा कैमरा मैंने लिया है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पर पहले ये देखना है कि ऑनलाइन मेरे को बेस्ट मिल पाता है या ऑफलाइन। तो सबसे पहले तो गेहूँ पिसवा लाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। 20 किलो भाई, देखते हैं इधर चल रहा है सफाई अभियान, पर्दे लगाए जा रहे हैं। तो गाइस, अभी कर रहे हैं हम नाश्ता, और अभी हम जाएंगे गेहूं पिसवाने। मम्मी भी चलेंगी, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लाने हैं तो वो भी जाएंगे। गेहूं उठा लेते हैं। अठारह किलो आया, 1 किलो चना गेहूं। मतलब नहीं लगाया, नहीं था ना इसलिए बीच में ना लगाया। कब था इसे आपने? अभी इसको तो अभी लगाया हमने। घर के लिए कुछ आइटम्स लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी फोन पर घर से पता कर रहे हैं। तो गाइस, गेहूं भी पिसवा लिया है, इसमें हमने 1 किलो चना मिला दिया है, इससे थोड़ा फाइबर रहता है। तो गाइस, गेहूं का काम तो हो गया है, साथ साथ ही पीस दिया उसने, ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं अभी मैं घर आ गया हूं, और अब मुझे फिर से जाना है मार्केट, मुझे बैंक का कुछ काम है तो वो भी करा के आना, वरना बैंक बंद हो जाएगा। तो और मंजू भी आ गई है, वो फाइल्स को लगा रही है। गाइस, ये होती है इंडियन नारी, हस्बैंड का साथ देती है। ये तो आया गाइस, हस्बैंड भी देते हैं। गाइज, अभी क्या हुआ, मैं आ गया मम्मी के साथ गेहूं पिसवाने के लिए, और पीछे से एसी सर्विस वाला आ गया। वो तो मंजू ने थोड़ा करा दिया, तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी। वो एसी सर्विस के लिए मैंने बोला हुआ था, आज आए हैं, तो आज हमारा एसी सर्विस भी हो गया। ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिप कर रही थी। तो मैं आया हुआ हूँ यहाँ वर्ल्ड स्ट्रीट में, यहाँ बैंक में कुछ काम है तो वो करा लेते हैं, क्योंकि बैंक भी जो है वो बंद हो जाएगा 3-4 बजे तक ना। तो गाइज, बैंक का काम तो हो गया है, और अब चलते हैं वर्ल्ड स्ट्रीट में। गाइज, भीड़ तो रहती है यहाँ पर ना, काफी बड़ी मार्केट है ये, तो फरीदाबाद के काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो दोपहर हो चाहे कुछ हो, अब भी देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, अब भी देखो। तो गाइज, मैंने अभी पता किया था, तो कैमरा एक स्टोर पर अवेलेबल है, तो मैं वहाँ से लेकर आता हूँ। तो मुझे तो पहले मिल ही नहीं रहा था, मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन भी नहीं था, और इन्हें तो पता ही है, दिन भर यही लगा रहता था कोई तो कौन सा कैमरा कौन सा कैमरा। तो कैमरा तो फाइनल कर लिया हमने कौन सा लेना है, आधे से ज्यादा स्टोरों पर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है कैमरा। तो जैसे तैसे एक स्टोर पर मिला है, और डिस्काउंट्स भी है, तो फटाफट जाते हैं और ले आते हैं। मैं जो परचेज करूंगा कैमरा, वो करूंगा रिलायंस डिजिटल से, उन्होंने कुछ अच्छा ऑफर भी दिया है, तो उधर से लेकर आ जाते हैं। तो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ क्राउन इंटीरियर मॉल में, ये मेन रोड पर ही पड़ता है, मथुरा रोड, जब बदरपुर से थोड़ा सा ही पहले पड़ता है मेरे यहाँ से। अब मुझे यहाँ से लगेंगे लगभग आधे पौने घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, तो वहाँ से लेके आ जाते हैं। गाइज, मैं लेने वाला हूँ कैनन का M50 Mark II, अच्छा कैमरा है, मैंने काफी सारे रिव्यूज देखे, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था 200D और M50 में, लेकिन अब मैंने वो क्लियर कर लिया है कौन सा कैमरा लेना है। गाइज, फाइनली काफी सोच विचार करने के बाद हमने कैमरा ले ही लिया है, कैनन M50।
तो गाइज कैमरा तो मैंने ले लिया है तो कैशबैक मिल गया और ये मेरे को पड़ा है 56 के अराउंड। तो रिटेल शॉप पर भी गाइज यहाँ पर भी बता रहे थे कि स्टॉक आ ही नहीं रहा है, ये भी लास्ट स्टॉक ही बचा हुआ था, फर्स्ट कैमरा है तो इसलिए एक्साइटमेंट भी ज्यादा ही है। एक यूट्यूबर के लिए गाइज उसका फर्स्ट कैमरा काफी ज्यादा अच्छी बात होती है और उससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहे। तो बाकी अभी तो चल दिए यहाँ से और घर जाके इसको मंजू से अनबॉक्स कराएंगे। गाइज अभी इस टायर में ना हवा कम लग रही है, बट चेक करा लेते हैं पंचर नहीं है या फिर हवाई कम है। टायर में हवा तो चेक करा ली है, हवाई कम थी। एक बार अगर पंचर होगा फिर भी तो सुबह पता लग जाएगा, कल अगर पंचर होगा तो हवा काफी कम हो जाएगी। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई? अरे वाह मजा आ गया, वही मिल गया रिलायंस डिजिटल पे ना, क्राउन में मिल गया, अवेलेबल हो गया। अच्छा चलो ये तो सही हो गया, स्टॉक की बड़ी कमी हो रही थी। हाँ ये तो है। चलो अनबॉक्स करते हैं। हाँ कपड़े वपड़े बाद में रखूंगा, पहले से कर लेते हैं। This is the masterpiece. Lightweight है ना? हाँ लाइट है काफी, DSLR तो हैवी होता है उससे को लाइट है। Wow, क्या फिनिशिंग है। Wow, what a feeling. अब मैं बन गई फोटोग्राफर, तो मैं आपकी पोजिंग करती हूँ। बॉडी को तो रख देते हैं इधर। अब इसके बाद इसमें चार्जिंग केबल, बैटरी चार्जर, बैटरी। तो गाइस कैमरा तो मैंने मंजू से अनबॉक्स करा लिया है, बाकी ये सब इसके पार्ट्स हैं तो ये सब मैंने आपको दिखा दिए हैं और इसके बारे में मैं अभी डिटेल में पढ़ रहा हूँ, इसके मैनुअल्स और जो भी कुछ हैं। तो कल एक बार हो सकता है मैं जाऊँ रिसेप से मिलने, तो उससे एक बार डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था वो कैमरे के बारे में काफी जानता है, कैमरे को अच्छे से ऑपरेट करना सीखते हैं क्योंकि नया कैमरा है ना गाइस, तो कुछ भी मेरे से गड़बड़ होगी, कुछ प्रिकॉशंस नहीं पता या कुछ भी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता तो नुकसान हो सकता है ना। कैमरे को यूज करने से पहले उसके बारे में जानना और समझना थोड़ा जरूरी है। तो अब मैं इसको ऐसी कैसी रख दूंगा, तो बाकी उसकी क्वालिटी और कैसे वो काम करता है कैसा हुआ है तो उसके बारे में कल बात करेंगे और मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूंगा उसकी और वीडियोस भी शेयर करूंगा। बाकी गाइज मैं बस बता नहीं सकता मुझे किस तरह की फीलिंग आ रही है। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आज का दिन नॉर्मल सा ही था और मैंने आज अपनी सबसे फेवरेट चीज ली है, इसकी मुझे काफी खुशी है और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।